हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे हम जो है एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि एक कॉमेडी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले उसके कैरेक्टर्स को, फिर हम उसके सिमिलर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले शुरू कर लेते हैं, ये मैंने एक थोड़ा सा लिख के रखा है, बाकी मैं लिखूँगी भी। तो ये सबसे पहला कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ मिलान, जो कि जो है सिल्विया का पिता है। सिल्विया फादर। और जो दूसरा कैरेक्टर है, यहाँ दिख नहीं रहा, इसे यहाँ रखती हूँ। दूसरा कैरेक्टर है वैलेंटाइन। फिर उसके बाद हम यही लिख लेते हैं, नहीं यहाँ लिख लेते हैं तीसरा, प्रोटियस। और जो है अभी हम बताएंगे ये कौन कौन, पहले हम कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। और चौथा कैरेक्टर है एंटोनियो, उसके बाद है पासो थूरियो, और उसके बाद है छठा स्पीड, उसके बाद है सता जूलिया। सही से दिख रहा है ना गाइस? तो आठ नंबर का है सिल्विया, जो कि ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है। और जो है नवा कैरेक्टर है लुसेटा, और दस नंबर हो गया क्रैब। अब हम इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कौन क्या क्या है। ये जो वैलेंटाइन है और जो ये प्रोटियस है, और इन्हीं के नाम पे ये प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और ये दोनों लोग मतलब वेरोना के ही हैं, जो कि बाद में सिल्विया के मतलब ये सूटर बनते हैं, मतलब दोनों ही सिल्विया को पसंद करते हैं। जेंटल अबेरोना मतलब ये दोनों ही हैं। और जो ये एंटोनियो है वो प्रोटियस का पिता है। और जो थोरियो है वो तो फूल, फूलिश तो वैलेंटाइन। सिल्विया ये भी मतलब सिल्विया को पसंद करता है। जो स्पीड है वो है वैलेंटाइन का नौकर है। और जो ये जूलिया है प्रोटियस की बीलबड है। और जो लुसेटा है वो जो है सिल्विया को तो मैंने बताया ही, ये ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है, डॉटर ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान। और ये जो लुसेटा है बेटिंग वुमेन है। और एक किसकी बेटिंग वुमेन है, ये है सिल्विया की। और ये जो क्रैब है वो लॉन्स का कुत्ता है। तो ये थे दोस्तों।